जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हमने आज 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को देखना है, ठीक है। उससे पहले हमने पार्लियामेंट को डिस्कस किया था, पार्लियामेंट के बाद हमने प्रेसिडेंट को देखा और उनकी पावर्स देखी, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर हमने किया है। तो इसके बाद अब आ जाती है सूबों की बारी यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो मैं ये स्टार्ट करती हूँ, हम साथ साथ पढ़ते जाते हैं। 1973 के आइन के मुताबिक पाकिस्तान में वफाकी तर्ज हुकूमत कायम है। पाकिस्तान के आइन साजों को हमेशा इस मसले का सामना रहा कि बास सूबों की तरफ से किए जाने वाले वसी एतराजात और खुद मुख्तारी के मुतालबात को पूरा करते हुए पाकिस्तान की वहदत और सालमियत के तकाजों के मुताबिक ऐसा आइन मरतब किया जाए जिसमें मरकज को मुनासिब इख्तियारात हासिल हों और बाकी इख्तियारात सूबों को दे दिए जाएं। 56 और 62 के आइनों के बरक्स 73 के आइन में सूबों को दाखिली खुद मुख्तारी दी गई और इस मसले को खुशुसलूबी से हल कर दिया गया। आपको याद है कि जब हमने स्टार्ट किया था अपना ये वाला चैप्टर, सेकंड चैप्टर, तो इसमें हमने देखा था कि पाकिस्तान बनने के बाद सबसे पहले जो हमारे पास चूंकि आइन नहीं था, तो उस वक्त जो है वो पाकिस्तान ने 1935 का एक्ट जो पहले से राइज था उसी में थोड़ी सी तरामीम करके, अमेंडमेंट्स करके जो है उसको अप्लाई किया पाकिस्तान में और उससे थोड़ा सा काम चला लिया था। उसके बाद फिर इन्होंने अपने आइन बनाने के लिए एक करारदाद पेश हुई थी असेंबली में, जो पहले वजीर आजम थे खान लियाकत अली खान साहब, उन्होंने पेश की थी, उसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं। 1949 में वो एक्सेप्ट हुई थी, 12 मार्च 1949 को वो पेश हुई थी असेंबली में और उसे जो है वो तस्लीम कर लिया गया था। वो एक बेस थी कि हमारा जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन जो बनेगा वो किन चीजों पे बेस करेगा। तो उसमें मेजर पॉइंट्स थे वो अगर आपने पढ़े हो या अगर आपको याद हो, तो उसमें हमने किया था कि सॉवरेनिटी जो है वो अल्लाह ताला के पास है, इक्तदार अल्लाह ताला का है और पाकिस्तान में जो तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, जो भी अनाने हुकूमत संभालेंगे, तो वो अल्लाह ताला के दिए हुए जो इख्तियार हैं उनकी हदूद में रहकर अपने इख्तियार को इस्तेमाल करेंगे। तो वो उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने जो है जब वो पास हुई थी, तो उसके बाद से बहुत सारी कमेटियां बनी थी कि जो कि आइन साजी के काम को उन्होंने बढ़ाना था आगे। तो उनमें एक मेजर कमेटी हमने डिस्कस की थी, ऑब्जेक्टिव वो बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी, अगर आपको याद है, बुनियादी असूलों की कमेटी। तो उसने बहुत सारी दो रिपोर्ट्स पेश की थी जिन पर बहुत सारे इतराजात हुए और उनको एक्सेप्ट ना किया गया। आखिरकार मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला जो था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो उस वो उनमें भी यही पॉइंट्स जो थे, ये देखें पर ये लिखा है ना कि वसी एतराजात और खुद मुख्तारी के मुतालबात, लोगों ने कहा हर सूबे ने कहा कि जी सूबों के जो हैं वो पावर्स उनको बहुत कम दी गई हैं, तो उन पर एतराजात किए गए और फिर आखिरकार जो है वो मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला को उन्होंने अपनाया। तो इसमें वो बात कर रहे हैं कि 56 और 62 के आइनों के बरक 73 के आइन में सूबों को खुद मुख्तारी दी गई है काफी हद तक। तो वो हम देख लेते हैं, इसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं कि पहला कहते हैं कि फेडरेशन की नौइयत क्या होगी पाकिस्तान में, कि 73 के आइन के तहत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आइन मुंदरजा ज़ैल इलाकों पर मुश्तमिल होगा, सूबे होंगे, दारुल हुकूमत हमारा कैपिटल है और कुछ एरियाज हैं। और इसके बाद कानून साजी में उन्होंने कहा जी कि कानून साजी कैसे होगी फेडरल में भी, विफाक जो सेंटर है हमारा और सूबों में। उसमें मैंने पहले भी आपको बताया था कि विफाकी अमूर की फहरिस्त थी और मुतसिला अमूर की, हमने पहले भी डिस्कस किया था 73 के आइन में कि दो फहरिस्तें दी गई हैं, एक सेंटर जो है विफाक का आपका, उसके अमूर की फहरिस्त है जिस पर फुली जो है वो लेजिस्लेशन करने की जो पावर्स हैं वो फेडरल के पास है। कुछ उन्होंने डिपार्टमेंट्स ऐसे दिए हैं जिसपे फेडरल को प्रायोरिटी दी गई है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि म्यूचुअल जो है वो पावर्स की एक फहरिस्त एक लिस्ट है, मुतसिला अमूर उसको कहते हैं, मुतसिला अमूर जिसपे यानी फेडरल भी आपका जो सेंटर है वो भी लेजिस्लेशन कर सकता है, कानून साजी कर सकता है और आपका जो सूबा है सूबे भी वो भी कानून साजी कर सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ एक थोड़ी सी जो है वो ये है कि अगर मुतसिला अमूर में विफाक और फेडरल दोनों कानून साजी करते हैं, दोनों लेजिस्लेशन करते हैं, तो फिर उसमें प्रायोरिटी दी जाएगी जो कि फेडरल वालों ने दी होगी, जो सेंटर आपका
जो है बेसिक जो है आपका कैपिटल है, तो अगर वो लेजिस्लेशन करता है तो उसको अहमियत दी जाएगी। आगे हम पढ़ते हैं कि विफाकी अमूर पर मरकजी हुकूमत को कंट्रोल है और मुतसिला अमूर पर मरकजी और सूबाई दोनों को। इस सिलसिले में बालादस्ती सिर्फ मरकजी हुकूमत को होगी, सूबाई हुकूमतों का कानून गैर मुअसर हो जाएगा। ये मुतसिला अमूर की फहरिस्त के बारे में बता रहे हैं। अच्छा, कहते हैं कि इन दोनों लिस्टों के अलावा जो बाकी अमूर है उन पर कानून बनाने का अख्तियार सिर्फ सूबों की हुकूमतों को हासिल है। कानून साजी में सूबों को हिस्सा दे के खुद मुख्तार बना दिया गया है। आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट है जी के एग्जीक्यूटिव टाइप के जो अमूर हैं, इंतजामी जो निज़ाम है वो कैसे चलेगा फेडरल में भी और सूबों में भी। के विफाकी इंतजामिया जो है ये हमारी सदर मुमलिकत वजीर आज़म और इसकी काबीना पर मुश्तमिल होती है। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारी जो एग्जीक्यूटिव जो इंतजामिया है उसमें हमारे प्रेजिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं और प्राइम मिनिस्टर की काबीना। जबकि सुबह अच्छा ये जो सिचुएशन है ना ये विफाकी हुकूमत की सेंटर में होती है। अगर आप किसी सूबे को ले लेना तो सूबे में वहां पर गवर्नर होगा, वजीर आला होगा और वजीर आला की काबीना होगी। देखिए ये तीन इसी तरह सिस्टम चलेंगे। यहाँ सदर फेडरल में सदर मुमलिकत, ये नहीं कि सदर मुमलिकत सिर्फ फेडरल में जो है वो पावर्स रखता है और उसको कंट्रोल करता है, नहीं सूबों में भी सदर करता है। लेकिन वो कहते हैं कि सूबे को, हर सूबे को भी इंतजामिया एक दे दी गई है कि उसका कंट्रोल संभालने का जो इंतजाम है सारा वो उस इंतजामिया के पास होगा। तो हर सूबे में क्या है, एक गवर्नर, सदर की जगह गवर्नर, वजीर आजम की जगह वहां वजीर आला है, चीफ मिनिस्टर जिनको कहते हैं, और फिर चीफ मिनिस्टर की काबीना। कहते हैं जबकि सूबे की इंतजामिया में हर सूबे का गवर्नर, वजीर आला और उसकी काबीना होते हैं। सूबों और मरकज के दरमियान राबते का जरिया सूबाई गवर्नर है। कहते हैं सूबे जो फेडरल है आपका उसमें और सूबे में सूबे और जो गवर्नर है वो सूबे में वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा तसव्वुर होता है। सूबाई हुकूमतें जो हैं वो अपनी मर्जी से पॉलिसियां बना सकती हैं। इंतजामी अमूर में सूबे जो है वो कहते हैं कि खुद मुख्तार होंगे और अपनी मर्जी के मुताबिक कानून साज करते हैं, इंतजाम चलाते हैं और सूबाई मुख्तारी का एहतराम करते हैं। अच्छा, फिर आगे बात उन्होंने की है कि जो जुडिशियल पावर्स हैं या वो स्ट्रक्चर कैसे होगा, कि कैसे काम होगा विफाक में भी और सूबों में भी, अदालती निज़ाम कैसे कायम होंगे। तो उस बारे में वो कह रही हैं कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में मरकज़ की सतह पर बाला तर जो है वो अदालती अदारा सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपका आला तरीन अदारा है। सूबाई हुकूमत पर हर सूबे में, अच्छा ये तो मरकज में देखो उन्होंने कहा ना कि पूरे तमाम जो पाकिस्तान है उसमें सबसे ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट होगी जो वो सबसे बड़ा आला अदालती अदारा। लेकिन सूबाई सतह पर उन्होंने कहा हर सूबे में एक एक हाई कोर्ट होगी। सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुख्तलिफ सूबों के दरमियान पैदा होने वाले तनाजात का फैसला करने का इख्तियार रखती है। इसी तरह आला अदालती कौंसिल है, सुप्रीम जुडिशियल कौंसिल, इसके जजेस भी सूबों की नुमाइंदगी करते हैं। ये अदालती निज़ाम सूबाई खुद मुख्तारी का मजहर है जो अपने फराइज आजादाना सर अंजाम दे रहा है। अब फाइनेंशियल पावर्स की जहां तक बात है, वो कहते हैं कि फाइनेंशियल अमूर जो है वो कैसे डील होंगे मरकज और सूबों में। मालियाती अमूर में भी सूबाई हुकूमतें खुद मुख्तार हैं। ये मालियाती अमूर जो हर सूबे से रिलेटेड अपने अपने, जैसे अगर पंजाब है तो पंजाब में जो एग्जीक्यूटिव जो बनी हुई है, यानी एग्जीक्यूटिव में कौन है, एक आपका जो है वहां का गवर्नर और फिर वजीर आला और उसकी काबीना। तो वो कहते हैं मालियाती अमूर में भी सूबाई हुकूमतें खुद मुख्तार है। हर सूबाई हुकूमत अपने अखराजात को पूरा करने के लिए आवाम पर टैक्स आयद करती है, लेकिन फिर भी मरकजी हुकूमत उनको माली इमदाद फराहम करती है। ऐसा नहीं है कि वो उनको फेडरल जो आपका विफाक है या जो मरकजी हुकूमत है वो सूबों को कह दे के जी हम आपको कुछ नहीं देंगे, आपने खुद अर्निंग करनी है और अपना सूबा चलाना, ऐसी बात नहीं है। मरकजी हुकूमत जो है ये वो बिल्कुल फुली जो है उनको जहाँ तक होता है जो उनके हिस्से की इमदाद है वो उसको जरूर देती है। मरकजी हुकूमत जो टैक्स आयद करती है उसका मुनासिब हिस्सा कौमी मालियाती कमीशन के जरिए सूबाई हुकूमतों को भी फराहम किया जाता है। ये देखें मरकजी हुकूमत, मरकज में भी जो टैक्स आयद किए जाते हैं उसमें देखें कि मरकजी हुकूमत जो टैक्स आयद करेगी, मतलब वो बेशक सूबों पर करेगी या मरकज में, उसका मुनासिब हिस्सा कहते हैं कि सूबों को दिया जाता है। कौमी मालियाती कमीशन मरकज और सूबों के दरमियान मालियाती अमूर को तय करता है।
अच्छा विफाकी सिविल सर्विस कैसे होगी? सेंट जो है फेडरल सिविल सर्विस विफाकी पब्लिक सर्विस कमीशन एक आईनी अदारा है। कहते हैं जो विफाकी सिविल सर्विस सूबों को मुहैया करता है, ये आला अफसरान सूबे का इंतजाम चलाते हैं। विफाकी पब्लिक सर्विस कमीशन तमाम सूबों से आबादी के तनासुब से अफसरान के इंतखाब के लिए इम्तहान का बंदोबस्त करता है और कोटे के मुताबिक अफसरान की तकर्री की सिफारिश करता है। विफाकी सिविल सर्विस में भी सूबों का कोटा मुकर्रर है। मतलब ये देखें, सूबे का भी इंतजाम चलाने के लिए और विफाक का इंतजाम चलाने के लिए। अब देखें ऊपर तो हमारे पास एक एग्जेक्टिव है, जैसे फेडरल में इसी तरह हर सूबे में भी हमारे पास एक एग्जेक्टिव है। मरकज में क्या है, आपका सदर है, वजीर आजम उसकी काबीना है, और जो हर सूबे में है एक गवर्नर और चीफ मिनिस्टर आपके जो वजीर आला है और उनकी काबीना। लेकिन इनके अलावा भी देखो मुख्तलिफ अदारे चलाने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है। तो वो कहते हैं कि एक जो जिनको आप कहते हैं ना सरकारी मुलाजिम, तो वो सिचुएशन वो बात कर रहे हैं कि विफाकी सिविल सर्विस जो होती है वो सूबों को भी और मरकज में भी होते हैं। विफाकी पब्लिक सर्विस कमीशन तमाम सूबों से आबादी के तनासुब से अफसरान का तकर्रुर करते हैं, मतलब उनको इलेक्ट करते हैं और फिर उनको सूबों में तैनात किया जाता है। अब मुख्तलिफ अदारों में नुमाइंदगी की कैसी है बात, कि इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदारे मुख्तलिफ नौइयत के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। इन तमाम अदारों में सूबों को हर लिहाज से नुमाइंदगी हासिल है, उन्हें किसी भी मौके पर महरूमी का शिकार नहीं होने दिया गया। सदर, वजीर आजम, विफाकी वुजरा, सेनेट का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, कौमी असम्बली का स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, मुश्तरका मुफादात की काउंसिल, इस्लामी नजरियाती काउंसिल, कौमी इक्तिसादी काउंसिल और कौमी मालियाती कमीशन के सरबराह और अराकीन मुख्तलिफ सूबों से चुने जाते हैं। नुमाइंदगी का ये असूल इस बात की तर्जुमानी करता है कि सूबों को खुद मुख्तारी हासिल है। इससे 73 के आइन के मुताबिक सूबाई खुद मुख्तारी का मसला हल हो गया। ये जो पॉइंट है इसको हम फिर जरा देखते हैं कि अदारों की नुमाइंदगी, मतलब मुख्तलिफ जो अदारे मुल्क में कायम है, चाहे वो मरकज में है या सूबों में है, तो वो कहते हैं वहां पर मतलब सूबों की और विफाक की कैसे जो है वो डिवीजन होगी कि कितने सूबों में से आए और कितने विफाक में से आए। तो वो कहते हैं कि ये जो सारे अदारे हैं ये देख के मुख्तलिफ अदारे उन्होंने दिए हैं, तो इन तमाम अदारों के लिए मुख्तलिफ अराकीन जो है मुख्तलिफ सूबों से चुने जाते हैं। नुमाइंदगी का ये असूल इस बात की तर्जमानी करता है कि सूबों को खुद मुख्तारी हासिल है। अच्छा लास्ट इसका सूबाई हुकूमत, जो सूबाई हुकूमत की हम खुद मुख्तारी की अटोनोमी की बात कर रहे थे, उसमें हमारा लास्ट एक टॉपिक आ गया कि कंप्लीट प्रोविंशियल अटोनोमी क्या है, कि सूबों को मजीद बा इख्तियार बनाने और सूबाई खुद मुख्तारी देने के लिए अब तालीम, सेहत, ज़राअत, अदलिया, ज़ाब्ता दीवानी, ज़ाब्ता फौजदारी और सालसी के कानून में भी विफाक का दायरे इख्तियार खत्म कर दिया गया है और सूबे इन मामलात में खुद मुख्तार है। अच्छा सूबाई खुद मुख्तारी हमने देख ली, आगे अब आ जाता है आपका नया टॉपिक है ये कि सुप्रीम कोर्ट जो आपकी आला तरीन अदालत है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये इंशाल्लाह हम फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं ताकि एक टॉपिक पूरा उसमें कवर हो जाए, वरना फिर ये हाफ टॉपिक हमारे एक लेक्चर में होगा और हाफ एक में होगा, तो लिहाजा इसको हम कंप्लीट रखेंगे। इसमें देखें इसकी कंपोजिशन है और कैसे तकरीर होगा और कौन क्या क्या होगा, क्या पाबंदियां होंगी, और फिर इसके इख्तियारात हम इंशाल्लाह ताला ये हम अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में कर लेंगे। और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो हमारा होगा वो हाई कोर्ट से रिलेटेड होगा। बस हमारा ये जो चैप्टर है इंशाल्लाह हमारा कंप्लीट होने जा रहा है। मैं ये स्टॉप शेयरिंग करती हूँ, हम अपना रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह ख़त्म कर देते हैं। इंशाल्लाह हम जो अपना नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और कोशिश करें कि प्लीज़ ना लेक्चर को थोड़ा थोड़ा सा सुन भी लिया करें एक बार, और ताकि आपको थोड़ा सा जो है गाइडेंस मिल जाए किसी भी टॉपिक के बारे में। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।